Hey guys, what's up? So this is a continuation of Learn English and Hindi, right? So in the last video, we have seen that how we should ask about the professions and organizations to someone. Now, we will see more into details, like what are the questions we should ask and what should be the answer. So when somebody asks where you work, your answer could be I work in TCS, right? Or I work in Wipro. Or I work for NHPC, I work for SBI Bank, right? So any one answer you can say that. Like, main wahan kaam karta hun, right? So what are you? Like, tum kya ho? Like, aapse koi aadmi aapke role ke baare mein pooch raha hai. Like, what are you? Tum kya ho? Aap bol sakte ho, I am an engineer, right? I am a doctor, I am a banker. So aap bol sakte ho, right? What does your company do? मतलब आपका कंपनी क्या काम करता है? What does your company do? आपका कंपनी क्या काम करता है? My company makes software. से मेरा कंपनी सॉफ्टवेयर बनाता है. आप दूसरे कंपनी में काम करते हो तो बोल सकते हो कि my company makes automobile component और my company provide loans और my company makes leather shoes. सो जो जहाँ भी जो काम होता है आप बोल सकते हो, राइट. व्हेन डू यू लीव फॉर ऑफिस, व्हेन डू यू लीव फॉर ऑफिस मतलब आप कब ऑफिस जाते हो, आपकी टाइमिंग क्या है. कोई आपसे पूछ रहा है कि व्हेन डू यू लीव फॉर ऑफिस, मतलब ऑफिस कब जाते हो, आपकी टाइमिंग क्या है. तो आई लीव फॉर ऑफिस एट 8, मतलब मैं 8 बजे ऑफिस को जाता हूँ. आई लीव फॉर ऑफिस एट 8. व्हेन डू यू रीच ऑफिस मतलब आप ऑफिस कब पहुँचते हो, राइट. आई रीच ऑफिस एट 8:30. इट्स लाइक कोई आपसे पूछ रहा है कि कितना टाइम लगता है आपको ऑफिस, या फिर ऑफिस आप किस टाइम में पहुंच जाते हो. सो व्हेन डू यू रीच ऑफिस, आई रीच ऑफिस एट 8:30. व्हाट डू यू नॉर्मली डू एट वर्क, व्हाट डू यू नॉर्मली डू एट वर्क मतलब आप अपने वर्क जहाँ पे आप काम करने जाते हो वहाँ पर नॉर्मली आप क्या करते हो. व्हाट डू यू नॉर्मली डू एट वर्क मतलब आप नॉर्मली क्या करते हो. सो आई मेक सॉफ्टवेयर एंड डिस्कस विथ मैनेजर मतलब या तो मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, आई मेक सॉफ्टवेयर एंड डिस्कस विथ मैनेजर और अपने मैनेजर से बातचीत करता हूँ, राइट. डिस्कस विथ मैनेजर. डज योर कंपनी पे यू वेल, क्या जो तुम्हारा कंपनी है अच्छा सैलरी देता है. डज योर कंपनी पे यू वेल, क्या वो अच्छी सैलरी देता है. यस इट पेज अस वेरी वेल, हाँ हम लोगों को अच्छी सैलरी मिलती है. डू यू गेट एनी बोनस, क्या आपको कोई बोनस अमाउंट मिलता है. मतलब बोनस अमाउंट हम उस अमाउंट को बोलते हैं जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, जो इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर CTC, जो आपके सैलरी का पार्ट नहीं होता है. येस वी गेट अ बोनस मतलब हम लोग को बोनस मिलता है. डू यू गेट अ कैब, येस वी डू गेट अ कैब मतलब क्या आपको कैब मिलता है. मतलब क्या आने जाने के लिए आपके आपको कोई व्हीकल मिलता है तो बोल सकते हो, यदि मिलता है तो बोल सकते हो येस वी डू गेट अ कैब मतलब हम लोग को कैब मिलता है. व्हाट इज़ योर कंपनी एनुअल टर्नओवर मतलब तुम्हारे कंपनी का जो साल का कितना कमाई है. व्हाट इज़ योर कंपनी एनुअल टर्नओवर मतलब तुम्हारे कंपनी का साल का कमाई कितना है. तो इट इज़ 1 बिलियन INR मतलब इंडियन रुपीज़ में 1 बिलियन है, राइट. देन इज योर कंपनी वर्क इन मैन्युफैक्चरिंग डोमेन, क्या जो तुम्हारा कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग एरिया में काम करता है. इज योर कंपनी वर्क इन मैन्युफैक्चरिंग डोमेन, तो आप करता है तो आप बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं करता है तो बोल सकते हैं नो माई कंपनी वर्क इन सॉफ्टवेयर डोमेन मतलब जो मेरा कंपनी है वो मेनली सॉफ्टवेयर डोमेन में काम करता है, राइट. नो माई कंपनी वर्क इन सॉफ्टवेयर डोमेन, नो जो मेरा कंपनी है वो सॉफ्टवेयर डोमेन में काम कर सकता है. तो ये सब सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है और लिस्ट ऑफ आंसर्स भी है. इतना यदि आपको पता है तो काफ़ी है, मतलब किसी कंपनी के बारे में इतना क्वेश्चन पूछना काफ़ी है, राइट. सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट लाइक बटन and subscribe my YouTube channel. Thank you once again.